नमस्कार सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का स्वागत है आज की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे। तो जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि लगातार बिहार राज्य की राजधानी पटना में आंगनबाड़ी केंद्रों के जो भी सेविका सहायिकाएं हैं, जो भी संघ के लोग हैं, वो सभी लोग अपने स्तर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जो उनकी मांगे हैं वो मांग उनकी पूरी हो सके। रात में भी ठंड में वो लोग रात बिता रही हैं, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना कर रही हैं। वाटर कैनन से भी उनके ऊपर कई बार प्रहार किया गया, लाठीचार्ज भी की गई। इन तमाम सारी दिक्कतों को सहते हुए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो है अपनी मांगों को लेकर विधानसभा को घेराव कर रही हैं और अभी भी बहुत सारी सेविका बहन जो है वहीं पर डटी हुई हैं। उनको पुलिस के द्वारा वहां से हटाया जा रहा है। हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोग पटना में ही मौजूद हैं या कहीं आप लोगों को अलग वहां से हटा दिया गया है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। जैसा कि एक और खबर हमें प्राप्त हो रही है जो कि एक ज़िले से खबर आ रही है जहाँ पर सेविकाओं द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि सेविका अपने दरवाजे पर लगाएंगी बोर्ड, यहाँ नेताओं का आना मना है। जैसा कि सेविका बहन अपनी मांगों को लेकर सरकार तक आवाज़ पहुंचा रही हैं तो उनकी मांगों को कोई नहीं सुन रहा है। तो सेविका बहन यहां पे देखिए क्या कर रही हैं, आइए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं और यहां के जो अध्यक्ष हैं वो क्या कर रही हैं। पूरी वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है बड़ा सा हेडिंग में, सेविका अपने दरवाजे पर लगाएंगी बोर्ड, यहाँ नेताओं का आना मना है। ऐसा क्यों है तो आइए यहाँ पे जानते हैं। लिखा गया है बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सोमवार को धरना पर बैठी। धरना प्रदर्शन में शामिल हुई संघ की प्रदेश अध्यक्ष रीता सिंह ने कहा कि सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका भी तैयार हैं, किसी भी स्थिति में अपने आंदोलन को कमजोर होने नहीं देंगी और सरकार को मांग को स्वीकार करने तक आंदोलन को जारी रखेंगी। सरकार उनकी मांग नहीं सुनती तो वे भी अपने दरवाजे पर यह लिख कर लगाएंगी कि यहाँ नेताओं का वोट के लिए आना मना है। जिला अध्यक्ष सविता सिंह ने कहा कि सरकार हड़ताल को खत्म करने वो मांग के लिए चुप कराने की धमकी दे रही है। इस तरह की धमकी में सेविका सहायिका नहीं आने वाली है, सभी सेविका सहायिका एकजुट होकर तैयार है, सरकार को जो करना है वो करे, पीछे नहीं हटेगी। तो इस प्रकार से जो सेविका सहायिकाएं हैं वो डटी हुई है और अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई हैं। उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल उनकी मांग को पूरा नहीं करने तक जारी रहेगी। सरकार को सेविका सहायिका को राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। सेविका को 25,000 तथा सहायिका को 18,000 मानदेय मिलना चाहिए। धरना पर बैठी सेविका सरिता देवी, गुड़िया यादव, सरोज कुमारी, पूजा कुमारी, रोजाना खातून, नीतू कुमारी, मीरा देवी, बिंदु सिंह सहित अन्य का नाम शामिल था। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों से अलग अलग खबर निकल के आ रही है कि कहाँ पे क्या रणनीति अपनाई जा रही है, किस प्रकार से आगे काम करना है। ये सभी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाई जा रही है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आंगनबाड़ी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हो आप लोगों को समय पर मिलती रहे और आप लोगों को क्या रणनीति करनी है, क्या रणनीति अपनानी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को टाइम टाइम पर मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों को अगर आंगनबाड़ी से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो आप हमारे आंगनबाड़ी के व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी न्यूज़ हो वो शेयर कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।